नमस्कार, मैं हूं अब्दुल नबी हसन और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। जम्मू कश्मीर में जगह जगह सेना और पुलिस की मदद से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं ताकि घाटी के युवा गलत रास्ते पर ना चले। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अभी भी पुलिस और सेना के खिलाफ अपनी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल अनंतनाग के खान बल इलाके में पुलिस विभाग के द्वारा बे बॉयज डिग्री कॉलेज में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, लेकिन छात्रों ने इस दौरान उग्र प्रदर्शन किया और फेस्टिवल के लिए लगाए गए पंडाल में आग लगा दी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने छात्रों की भीड़ को काबू में किया और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया। झंडा चढ़ाया था जी, पता नहीं फिर क्या हुआ यहाँ, तो इसके सूचना में हमें कोई मिली, आग लगी है डिग्री कॉलेज में, बाकी हमें ये पता नहीं यहाँ कैसे आग लगी, किस तरह। तो फिलहाल क्या तो आप लोगों ने कितने सारे टेंट्स को यहाँ पे जलाया गया है सर, आपने क्या अभी देखा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ यहाँ जो सबसे बड़ा टेंट जो चमेना था वही जल गया है। तो फिलहाल चूँकि हमारी गाड़ी, हम खुद भी बाल बाल बच गए, हमारी गाड़ी को भी नुकसान होगा पथरा की वजह से। तो अभी क्या बच्चों को भगाया गया यहाँ से? बच्चों को तो आपने सुपार से भगा दिया गया है, फील्ड ग्राउंड से भगा दिया गया है, फील्ड ग्राउंड तो सेफ है। शुक्रिया।